हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर नंबर 16 गेम्स वी प्ले। पहले बच्चों, हम और आप लोग बहुत सारे गेम खेलते हैं। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कुछ गेमों के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ऑल द चिल्ड्रन वर प्लेइंग स्टेफो ऑफ स्कॉच इन द लेन। तो सारे बच्चे यहाँ पर क्या सा गेम खेले, स्टेफो ऑफ स्कॉच। अवंतिका एंड हर सिस्टर नंदिता और एल्सो प्लेइंग। अवंतिका और नंदिता, उसकी बहन, ये भी खेल रहे हैं। बट नंदिता वॉज नॉट एबल टू प्ले द गेम्स इन द राइट वे। लेकिन जो नंदिता है उसको सही तरीके से इस गेम को खेलना नहीं आता है। अब अवंतिका जो है अपनी बहन नंदिता को समझाती है इस गेम के बारे में, एक गेम कैसे खेलना है। लिसन टू मी केयरफुली, नंदिता नंदिता से कहती है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो। अंडरस्टैंड द गेम्स, इस गेम को समझें, समझो। थ्रो द मार्कर इन द फर्स्ट बॉक्स, आपको क्या करना है, कह रही है फर्स्ट बॉक्स में आपको जो मार्कर है या ठिप्पी जिसको हम कहते हैं ठिप्पी, इसको फर्स्ट बॉक्स में डालना है, फेंकना है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं जहाँ पर नंबर वन लिखा है उस बॉक्स पर जो है आपको मार्कर डालना है। देन ऑन वन लेग जंप ओवर दिस बॉक्स इनटू द नेक्स्ट वन, और एक पाँव को ऊपर करके दूसरे बॉक्स में जंप करना है। कीप इन माइंड यू कैन पुट बोथ योर फीट डाउन टूगेदर ओनली इन द बॉक्सेस मार्क 4, 5 एंड 7, 8। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपके दोनों पैर केवल 4 और 5 और 7, 8 जहाँ पर ये नंबर लिखे हैं उन्हीं पर जो है आपके दोनों पैर नीचे आएंगे। टेक केयर योर फीट शुड नॉट टच द लाइन्स। लेकिन आपको सावधान रहना है कि आपके पैर जो है लाइन को टच नहीं करने चाहिए, जो लाइन खींची हुई है उनको टच नहीं करना है, ठीक है। इफ़ इट टच यू आर आउट ऑफ द गेम, यदि आपने लाइन टच कर दी तो आप आउट हो जाएंगे। व्हेन यू रीच द लास्ट बॉक्स टर्न अराउंड द, जब आप लास्ट बॉक्स में पहुंच जाएंगे और टर्न होंगे, व्हेन कमिंग बैक पिक अप द मार्कर एंड ब्रिंग इट बैक, नाउ थ्रो द मार्कर्स इन द नेक्स्ट बॉक्स। और जैसे ही आप पहले बॉक्स का कंप्लीट कर लेंगे फिर उसके बाद मार्कर आपको सेकेंड बॉक्स में थ्रो करना है। ऐसे ही करके आपको सारे बॉक्सेस कंटिन्यू करने हैं, पार करने हैं, ठीक है। द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग अगेन, चिल्ड्रन बच्चों ने जो है फिर खेलना शुरू कर दिया। सिंस लॉन्ग चाची वॉच वॉचिंग देम प्ले, बहुत देर से जो है चाची ये सब बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। सी टू फेल्ट लाइक प्लेइंग विद देम, उनका भी मन जो है खेलने का हो रहा था उनके साथ। सी कुड नॉट कीप हरसेल्फ फ्रॉम आस्किंग कैन आई प्ले विथ यू, लेकिन वो नहीं रह पाई कि क्या मैं आपके साथ खेल सकती हूँ। द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड, बच्चे जो हैं जोर जोर से हंसने लगे। अवंतिका, चाची यू विल प्ले, आप भी खेलेंगे, चाची कहती है। डू यू थिंक आई डू नॉट नो हाउ टू प्ले हॉप स्कॉच, एट योर एज वी प्ले सो मैनी इन डिफरेंट गेम्स। चाची कहती हैं कि मैं नहीं जानती कि ये हॉप स्कॉच कैसे खेलते हैं, मैं जब आपकी उम्र की थी तो मैं भिन्न भिन्न तरीके के गेम खेलती थी। नंदिता कहती हैं विच गेम्स डिड यू प्ले चाची, चाची आप कौन से गेम खेलते थे। चाची कहती है गुल्ली डंडा, हाइड एंड सीक, सेवन टेल्स एंड सो मैनी मोर इन कबड्डी टीम्स वॉज द फर्स्ट एमोंग द 10 विलेजेस। चाची कहती हैं कि हम गुल्ली डंडा खेलते थे, हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई, सेवन टेल्स जिसमें पत्थर, छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों को जो है 7 पत्थर के टुकड़ों को एक के ऊपर एक रख के खेला जाता है। आप लोग भी स्कूल में इस गेम को खेलते हैं, है ना, सेवन टेल्स वाला। और कबड्डी
की टीम जो थी हमारे 10 गांव में सबसे बेस्ट टीम थी, कहती है चाची। रजत इतने में पूछता है, चाची हाउ डिड यू गेट सो मच टाइम्स, वी हार्डली गेट एनी टाइम्स टू प्ले। चाची से कहते हैं कि आपको इतना टाइम कैसे मिल जाता था, हमें तो बहुत कम समय मिलता है। चाची बताती हैं कि यू आर सो बिजी वॉचिंग टी वी ऑल द टाइम्स, आप तो जो है टी वी देखने में बिजी रहते हैं, आपको इतना टाइम कहाँ से मिलेगा। तो नंदिता कहती हैं चाची डिट चाचा प्लेज दीज गेम्स टू, क्या चाचा भी जो हैं गेम्स खेलते हैं। चाची कहती हैं यस योर चाचा सेज दैट ही यूज टू प्ले मार्बल्स, आपके चाचा बताते हैं कि उन्होंने मार्बल्स, मार्बल्स कौन सा गेम होता है बच्चों, इसमें जो कंचे होते हैं कांच के उसके साथ खेला जाता है, ठीक है। सेवन टेल्स और रेसलिंग कबड्डी और गिल्ली डंडा, ये सारे गेम्स जो हैं उनके चाचा ने खेले हुए हैं। व्हील फ्लाइंग काइट्स ही वुड इवन फॉरगेट हिज मील्स, वो कभी कभी जो हैं पतंग उड़ाते हुए अपना खाना खाना भी भूल जाते हैं। नंदिता कहते हैं चाची डू कम एंड प्ले, चाची आओ खेलते हैं। चाची स्टार्टेड प्लेइंग विद द चिल्ड्रंस, दे हैड बीन प्लेइंग जस्ट फॉर अ शॉर्ट व्हील व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जैसे ही चाची ने खेलना प्रारंभ किया तो उसके तुरंत बाद जो है वहाँ पर बरसात प्रारंभ होगी। ऑल द चिल्ड्रंस ओ नो, चाची लेट अस गो टू माई होम व्हील आई प्ले इन साइड, द चिल्ड्रन वर हैप्पी टू हियर दिस। बच्चों जो गेम्स बाहर खेल रहे थे बच्चे उनको आउटडोर गेम्स कहते हैं। आउटडोर मतलब कि ऐसे गेम्स जिसको हम घर से बाहर खेलते हैं, जैसे क्रिकेट है फील्ड में खेलते हैं आउटडोर गेम है, हॉकी है आउटडोर गेम है, कबड्डी बाहर खेलते हैं आउटडोर गेम है, गुल्ली डंडा बाहर खेलते हैं ना आउटडोर गेम है। तो ये सारे गेम जो हैं जिसे हम घर से बाहर खेलते हैं उसको आउटडोर गेम कहते हैं, ठीक है। और इंडोर गेम वो होते हैं जिसको हम एक कमरे के अंदर खेल सकते हैं, ठीक है। तो आप बच्चे भी जो है वही गेम खेलना प्रारंभ कर रहे हैं, जैसे कि अब बरसात हो गई है तो बच्चे घर के अंदर जा कर के इंडोर गेम खेलना प्रारंभ करते हैं। देख चलिए कौन कौन से गेम खेलते हैं। ऑल द कम ऑन लेट अस गो टू चाची हाउस टू प्ले चिल्ड्रंस, द चिल्ड्रंस कम टू चाची हाउस, इनसाइड द हाउस चाचा एंड बुआ वर प्लेइंग चेस। जैसे ही बच्चे जो हैं चाची के घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि चाचा और बुआ जो हैं कौन सा गेम खेल रहे हैं, चेस। तो चेस कैसा गेम है बच्चों, इंडोर गेम। कैसा गेम है, इंडोर गेम। चलिए रजत लेट्स प्ले हाउस हाउस मैनी चिल्ड्रंस, यस लेट्स प्ले हाउस हाउस, तो बच्चे भी हाउस हाउस गेम खेलने लगते हैं। रजत इफ वी हैड अ डॉल्स वी कुड हैव प्लेड विद इट। चाची कहते हैं डू यू वांट अ डॉल्स, लेट अस मेक वन राइट वे। चाची टुक आउट सम ओल्ड क्लोथ्स विद चाचीज हेल्प चिल्ड्रंस मेड अ डॉल, सम चिल्ड्रंस वांटेड टू प्ले कैरम एंड अदर लूडो, दे फॉर्मेड ग्रुप्स एंड स्टार्टेड प्लेइंग। तो यहाँ पर कौन कौन से इंडोर गेम के नाम आए, एक डॉल्स के साथ खेलने का और कैरम और लूडो, ठीक है। तो ये सारे गेम कैसे हैं, इंडोर गेम हैं। तो यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है, लिस्ट टेबल दी गई है आपको, इसमें कुछ कुछ गेमों के नाम लिखने हैं। राइट द नेम्स ऑफ द ऑल गेम्स मेंशन इन द लेसन इन द टेबल बिलो, मेक अ यहाँ पर एक हाउस का जैसा फिगर बना हुआ है इन फ्रंट ऑफ दोज गेम्स दैट वन प्लेड इंडोर, इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स के नाम यहाँ पर आपको राइट करने हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से मेंशन किए गए थे ऐसे जो इंडोर गेम थे, कबड्डी सॉरी इंडोर गेम में कौन से थे, जैसे कैरम बोर्ड, लूडो और हाउस हाउस गेम्स, और इसके अलावा कौन से गेम होते हैं इंडोर, चेस, ठीक है, और टेबल टेनिस भी जो है इंडोर गेम ही है, ठीक है बच्चों। चलिए इस टेबल को देख लेते हैं। नेम ऑफ द गेम्स मेंशन इन द लेसन, अब यहाँ पर हम और गेमों के नाम भी लिख सकते हैं, जैसे क्रिकेट, क्रिकेट एक आउटडोर गेम है। अब नेम ऑफ प्लेयर, कितने प्लेयर होते हैं इसमें,
क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं पर टीम, ठीक है, 11 प्लेयर पर टीम में होते हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, थिंग्स नीडेड, इसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, बैट बॉल स्टंप और हेलमेट, ठीक है, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। हॉकी, हॉकी भी आउटडोर गेम है और इसमें प्लेयर की संख्या कितनी होती है, 11 प्लेयर्स पर टीम्स, 11 प्लेयर होते हैं, ठीक है बच्चों। और इसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, हॉकी स्टिक और बॉल की। नेक्स्ट चेस, चेस एक इंडोर गेम है, इसमें 2 पर्सन होते हैं, ठीक है, चेस बोर्ड सेट की इसमें ज़रूरत होती है। कबड्डी, कबड्डी एक आउटडोर गेम है और इसमें 7 प्लेयर पर टीम में होते हैं, पर टीम में कितने प्लेयर होते हैं बच्चों, 7 प्लेयर, और इसके लिए कौन सी चीज़ की आवश्यकता होती है, ग्राउंड की आवश्यकता होती है, ठीक है। टेबल टेनिस, टेबल टेनिस एक इंडोर गेम है और इसमें 2 या 4 प्लेयर्स होते हैं, टेबल विथ नेट रॉकेट बॉल, इसमें टेबल एक टेबल चाहिए, उसमें नेट और रैकेट बॉल की आवश्यकता होती है, रैकेट और बॉल। कैरम बोर्ड भी एक इंडोर गेम है, इसमें 4 प्लेयर खेलते हैं और इसमें जो कैरम बोर्ड सेट की आवश्यकता होती है, ठीक है बच्चों, आपको इसमें राइट करना है। नेक्स्ट है कि आप अपने फैमिली मेंबरों के साथ कौन सा गेम खेलते हैं, इसमें आपको राइट करना है। जैसे फैमिली मेंबर मदर फादर्स के साथ कौन सा गेम खेलते हैं उसका नाम लिखना है, ब्रदर सिस्टर के साथ कौन सा गेम खेलते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको राइट करना है, ठीक है बच्चों। डू यू नो द नेम ऑफ फेमस स्पोर्ट पर्सन इन योर एरिया, तो आपको जो है कुछ फेमस खिलाड़ियों के नाम लिखने हैं, जैसे क्रिकेट में फेमस उन प्लेयर का नाम लिखना है, जैसे क्रिकेट में किसी का भी नाम लिख सकते हैं जिसको आप जानते हैं, जैसे MS धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान भी हैं, राहुल, और इसके अलावा विराट कोहली, आप किसी एक का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हॉकी में मनप्रीत सिंह, टेबल टेनिस में और लॉन्ग टेनिस में जैसे सानिया मिर्जा, फुटबॉल में और बास्केटबॉल में भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको विभिन्न गेमों के नाम में प्लेयर के नाम लिखने हैं, ठीक है बच्चों। हाउ मेनी गेम्स डू यू नो विच वी प्ले विद द वॉल्स, राइट देयर नेम्स इन द वॉल्स, आपको जो है ये जो सर्कल दिया गया है इस पर ऐसे गेम के नाम लिखने हैं जो जिसमें बॉल की ज़रूरत होती है, ठीक है बच्चों। ऐसे कौन कौन से खेल होते हैं, जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, इन सब गेमों में जो है बॉल की ज़रूरत होती है, ठीक है। हैव यू हर्ड और सानिया मिर्जा का नाम सुना है, तो कौन सा गेम खेलते हैं, अभी मैंने बताया कौन सा, टेनिस, कौन सा गेम खेलते हैं बच्चों, टेनिस गेम खेलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दे रखा है कुछ पजल्स, इसको आपको सॉल्व करना है, इसमें गेम के नाम आपको राइट करने हैं। स्मॉल एंड क्लाउड्स आर द दीज ग्लास बॉल्स टू विन द गेम्स यू हैव टू एम विथ देम ऑल, तो ग्लास यानी कि जो कांच के बने हुए बॉल्स होते हैं छोटे छोटे, वो कौन सा गेम होता है बच्चों, मार्बल, कंचे का गेम, ठीक है, मार्बल का गेम होता है। नेक्स्ट है, इफ़ यू लैंड्स अ स्नेक डू नॉट प्रॉन इन दिस गेम्स यू गो अप एंड डाउन, स्नेक एंड लैडर वाला गेम होता है ना बच्चों, आप खेलते हैं, यस, सांप सीढ़ी जिसे हम कहते हैं वाला गेम। इट हैज़ नो विंग्स बट इट कैन फ्लाई हाई 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 अप इन द स्काई, तो ऐसा कौन सा गेम होता है, इसका बिना पंख वाला होता है लेकिन आसमान में उड़ता जाता है हाई अप, तो काइट फ्लाइंग, ठीक है, पतंग उड़ाने का गेम। नेक्स्ट है, ऑन द बोर्ड्स ऑफ स्क्वायर्स ब्लैक एंड वाइट देयर द किंग्स द क्वींस एंड द नाइट, तो जिसमें किंग और क्वींस का होता है और बोर्ड होता है स्क्वायर बोर्ड्स, तो कौन सा होता है इसमें, चेस, और किंग क्वीन
एस एन जैक्स 52 ऑफ देम्स मेक अ पैक, तो ताश के पत्तों वाला गेम जिसमें 52 पत्ते होते हैं ना, ये वाला गेम है। और नेक्स्ट है 4 and 6 इफ़ यू कैन गेट इन अ सेंचुरी श्योर आई कैन बेट, तो सेंचुरी 6 और 4 इसमें लगते हैं, जैसे छक्का चौका लगता है ना, तो कौन सा गेम है बच्चों? क्रिकेट का, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर आज का एंड होता है। आई होप कि आप इसमें समझे होंगे कुछ आउटडोर और इनडोर गेमों के नाम, और गेम्स जो है आप खेलते रहे और मज़े लेते रहे। थैंक यू।